लो जी, हमने धो के वो करेला कट कर लिया है। बिल्कुल, जो वो आगे से पतला था ना, इसलिए आगे इसमें छोटे छोटे अब काटते हैं हम। और चीजें जो इसमें डालने वाले हैं, देखो इसके बीज है ना, बिल्कुल कच्चे हैं। है बीज लेकिन कच्चे हैं। चलो हम आगे और चीजें कट करते हैं जो इसमें डालने वाले हैं। यम्मी सी बनाएंगे सब्जी, बिल्कुल थोड़ी सी। हमने तेल चढ़ा दिया है। ये रहा हमारा करेला, ये रहा हमारा मोटा एक प्याज, ये रहे मिर्च। हम मिर्च बहुत तेज खाते हैं, लाल मिर्च हम डालते नहीं, तो इसलिए हरी मिर्च कट कर लियो। और एक टमाटर। अभी हमारे पास कच्चे आम भी तो है नहीं, आम चूर हम डालते नहीं, तो इसलिए हम डालेंगे एक टमाटर। और फिर हम बताते हैं हम कैसे बनाते हैं सब्जी। चलो अभी हमारे टमाटर रहता कट करना, वो और हम कट कर लेते हैं। ये हो चुका हमारा तेल गरम, सरसों का तेल था इसलिए। अब हम इसमें डालेंगे अपने करेले, देखो आराम आराम से डालेंगे। बिल्कुल ये करेले थोड़े ठीक हो जाएंगे, फिर हम डालेंगे इसमें प्याज। ये देखो हम टमाटर भी कट कर लिया अपना, होने देते हैं इसको, फिर डालेंगे प्याज। करेले हो गए थे, करेले भी हमने निकाल, अब इसमें डाल दिया प्याज। अब प्याज होने देते हैं, फिर उसके बाद डालते हैं इसमें मिर्च। प्याज ये प्याज हो गए थे, इसमें डाल दिया हमने मिर्च और करेले वापस। और अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। टमाटर को डाल देंगे हम इसमें हल्दी और नमक, अभी डालते हैं हल्दी और प्याज का नमक। ये हल्दी ये हमारी बन जाएगी करेले की भुर्जी। अब हम इसे ढक देते हैं पकने के लिए। हमारे पक जाएंगे, अभी ढकते हैं। लो जी, हमने इसे दिया है ढक। अब बस 5 मिनट के लिए पकने देंगे। 5 मिनट में हमारे टमाटर हो जाएंगे, फिर हमारी सब्जी हो जाएगी तैयार बनके। चलो हम आपको दिखाते हैं हमारी सब्जी, मतलब कि भुर्जी करेले की, कैसी बनती है कैसी नहीं, 2 मिनट बाद। लो जी, अभी देखते हैं। वाह, ये हमारी सब्जी बनके हो गई है रेडी। अब हम इसको सर्व करेंगे तेज गैस पे। थोड़ा सा टमाटर में पानी छोड़ दिया। ये देखो हमारी करेले की भुर्जी बन के हो गई है रेडी। ये अब सब्जी थोड़ा तेल छोड़ना शुरू कर देगी। चलो ये हमारी बन गई, हमारे घर पे उगाए हुए करेले की भुर्जी। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें कि हमने घर पे उगाए हुए करेले की भुर्जी कैसे बनाई है कैसी नहीं।